कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को किस तरह की बीमारियां हो रही हैं, जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़कर अब 3,67,00,000 से भी अधिक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या भी 10,66,000 से अधिक हो गई है। हालांकि खुशी की बात यह है कि अब तक दुनिया भर में 2,76,00,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन यह वायरस इतना खतरनाक है और इतनी तेजी से फैल रहा है कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। हालांकि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में किस तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर गीता कंपानी बताती हैं, कोविड-19 से ठीक हो रहे लोगों में सिर दर्द, तनाव, सांस लेने में परेशानी, दिल की बीमारी जैसी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये सभी कहीं न कहीं लोगों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, क्योंकि पहले इतने दिन लॉकडाउन और फिर उनका बीमारी से घिर जाना, उसके बाद उन्हें ठीक होने में भी वक्त लग जाता है। इन सब के बाद मरीज अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर तनाव लेते हैं, फिर से कोविड ना हो जाए या अगर फिर कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा, जैसी तमाम बातों की चिंता करने लगते हैं। इसका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है। क्या दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही है? डॉक्टर गीता कंपानी के मुताबिक दिल्ली में पहले मामले तेजी से बढ़े थे, फिर नियंत्रित हो गए। इसके बाद पिछले महीने से एक बार फिर केस अचानक बढ़ने लगे। इस बीच टेस्टिंग भी बढ़ाई गई, जिससे ज्यादा केस डिटेक्ट हो रहे थे। अब मामलों की संख्या कम हो गई है, साथ ही सक्रिय केस कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, इसलिए इसे दूसरी लहर मानी जा रही है। हालांकि अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं, कुछ दिन और देखना होगा कि क्या स्थिति रहती है। क्या रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भारत में ट्रायल होने वाला है? डॉक्टर गीता कंपानी बताती हैं, रूस की वैक्सीन को दवा कंपनी डॉक्टर रेडीज लैब भारत में ला रही थी, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि उस वैक्सीन के ट्रायल बड़ी संख्या में लोगों पर नहीं हुए हैं और किसी भी ट्रायल में भारतीय नहीं शामिल हुए हैं, इसलिए ये नहीं पता है कि यह वैक्सीन भारतीयों को दी जाएगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए अभी भारत में लोगों पर इसका ट्रायल करने के बाद ही उसका प्रोडक्शन यहाँ के लिए होगा।